राज्य सरकारें, पंचायतें सभी इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटे। चलाओ भी कहा अभियान, जल जीवन मिशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी उतना ही बल दे रहा है, अवसर भी बढ़ रहे हैं। इस मिशन का एक लाभ ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप आ जाएगी तो देखिए, जल जीवन जो है भारत सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स है अभी गवर्नमेंट का जो फील्ड में इंप्लीमेंट हो रहा है। इसकी एम आपको पता है, हर घर जल। इसमें ऑलरेडी बहुत काम शुरू हो चुका है, टेंडरिंग हो चुकी है, लेकिन जो इसका हॉलिस्टिक प्रोग्राम है उसकी अवेयरनेस लोगों को देना ज़रूरी है, घर घर जाना ज़रूरी है। इसीलिए ये वैन चल रही है, ये यहाँ पे जो है हमारी सब डिवीज़न के सभी गांवों में जाएगी, स्टेशन होगी और इसकी अवेयरनेस की जाएगी। अभी क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, हम लोग गांव में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँच रहा है, देखिए करना चाहिए उन सब चीज़ों की, इसलिए ये अवेयरनेस है। ऑलरेडी जो है कंसर्न जल जीवन डिपार्टमेंट ने, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, तो इसमें जो है ऑनलाइन ग्रीवियंसिस का भी सिस्टम है। वो अपने जो है इंजीनियर साहिबान वगैरह उनसे चेकअप करें कि उनके गांव के PRIs से कॉन्टेक्ट करें, PRIs पानी समितिज हैं, वो उनको बताएंगे कि उनका किस स्टेज पे एग्जीक्यूशन में है। और उसी सिलसिले में ये वैन चल भी रही है ताकि लोगों को अवेयरनेस होगी, जब लोगों को पता चलेगा ऐसी कोई चीज़ है वो सवाल करना शुरू करेंगे, जब लोग सवाल करेंगे तो नेचुरली जो है उनके मसाइल का भी हल होगा। जो कार्य होते हैं उसमें गांव के लोगों का सहयोग। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप जो है इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, इस अवेयरनेस को, इस कैंपेन को, इस रथ यात्रा को आगे ले जाने में जो है आप सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये जो काम कर रही है ये ISA कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट एजेंसी डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन डोडा। ISA का काम रहता है वो हर गांव में जाके लोगों को अवेयर करे स्कीम के बारे में, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें ग्राम सभा की जाती है पहले पहले, उसके बाद जनसभा की जाती है, जनसभा के बाद फिर इसके अंदर स्कूल रैलीज की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, बेसलाइन सर्वे की जाती है, वाटर सिक्योरिटी प्लान के लिए जो है इसमें सर्वे किया जाता है। इसमें हर जगह टैंक बन रहे हैं, हर जगह फिल्टर प्लांट बन रहे हैं, और इसी तरह से पानी समिति कमेटी, एक विलेज वाटर कमेटी है उसका इसमें बड़ा अहम रोल रहता है, उसको ट्रेंड कर रहे हैं हम, वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, वाटर किट्स और FIO FTK के वोमेन के लिए हम वहाँ पे हर गांव में ले रहे हैं, ताकि आने वाले कल, क्योंकि आपको पता है कि दिन ब दिन पानी जो है सूखता जा रहा है और इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को लेके हम थोड़ा लोगों का अवेयर करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से बहुत सारी जगहों पर पानी का मसला लोगों को पेश आता है, क्या कुछ मैसेज है किस तरह से वो अपना मसला हल करें? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें इनके पास एक विलेज वाटर कमेटी रहती है जो अपने गाँव पंचायत में होती है, जिसमें इलाके का सरपंच और मेंबर और पानी समिति कमेटी के कुछ लोग जो है रहते हैं, जिसमें 25 से 50% जो है इसमें महिलाओं का बड़ा अहम भूमिका रहती है, जो इसमें मेंबर रहती हैं वाटर कमेटी में, तो पानी समिति कमेटी भी जिसको कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत जितने भी गांवों में स्कीमें चलेंगी वो इन्हीं के थ्रू चलेंगी, और फ्यूचर में जब डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन के द्वारा ये सारे टैंक, ये सारे वाटर जितना भी टैंक बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी ठेकेदार काम कर रहे हैं, इस तरह से जितने भी ये काम हो रहे हैं, जब ये पंचायत में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम है ही इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट एजेंसी टू डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन डोडा, तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों को थोड़ा ट्रेन करने में, उनको थोड़ा इसके बारे में जो पूरा एक ट्रेनिंग प्लानिंग रहता है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन काम करेगा, हर पंचायत में कैसे वो अपने पास रखेंगे, उनके अंदर ऑनरशिप कैसे क्रिएट की जाएगी, यूज़र चार्जेस किस तरह से रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पंचायतों को ट्रेन कर रहे हैं, पानी समिति को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे वुमेन्स को FTK यानी वाटर टेस्टिंग के बारे में
ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अहम है बेसलाइन सर्वे। बेसलाइन सर्वे डोर टू डोर हमारे कोऑर्डिनेटर्स कर रहे हैं और वो हर गांव पंचायत में है। सरपंच साहिबान और इलाके के जितने भी मेंबर्स हैं और पानी समिति कमेटी को सहयोग करना चाहिए अपने हर गांव में, क्योंकि अगर बेसलाइन सर्वे में थोड़ा सा भी कोताही हुई तो फ्यूचर में शायद उसको जो है हम पानी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस प्लान इस सर्वे के बाद ही हम ये फैसला कर पाएंगे कि कितने लोगों को किस टैंक से कितना पानी दे सकते हैं। इसी चीज़ के लिए जो है हम ये अवेयर कर रहे हैं लोगों को, ताकि हर घर नल हर घर जल जो है वो मुमकिन हो पाए। उसके बाद यहाँ पर जिसको भी हर घर नल और जल मिलना शुरू हो जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, इसमें जो है आगे 30 से 50 साल तक की स्कीम आगे बढ़ती जाएगी और इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, जो सर्वे हो रही है हमारी वो बिल्कुल आपके भले के लिए आपके फ़ायदे के लिए है। इसमें आप सर्वे में अपना पूरा अच्छे से सर्वे कराएं। उसके बाद इसी तरह से पानी समिति कमेटी जो है इसमें थोड़ा एक्टिव रहे। एक्टिव रहने के बाद जो है हर गाँव में हर पंचायत में जो भी वाटर सिक्योरिटी प्लान्स चल रहे हैं सर्वे चल रही हैं, ताकि हर घर को हम जो है नल शुद्ध पानी और वो भी नल और जल दोनों चीज़ें पहुंचाने में डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन का पूरा सहयोग करें, तभी जाके हम कामयाबी की तरफ चल सकते हैं। नहीं तो फ्यूचर में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर इस मिशन को समझने में कोताही की। थैंक यू।